इस बार SSC CGL 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसके फॉर्म फिलअप करने का डेट 3 अप्रैल 2023 से लेकर के 3 मई 2023 तक के बीच में है। ठीक है, ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। इस बार का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पिछले बार के जैसा ही है, लेकिन पिछले बार ये पता होगा आप लोगों को कि चेंज हुआ था पैटर्न। तो अभी एग्ज़ाम सीजीएल एग्जामिनेशन में दो सेक्शन, मतलब दो बार एग्ज़ाम होगा, एक टायर 1 और एक टायर 2। अच्छा, तो टायर 1 पहले के जैसा ही है जिसमें कि 4 सेक्शन होंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे। एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम जनरली रीजनिंग के तौर पे जानते हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके के तौर पे जानते हैं। और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ के तौर पे जानते हैं हम लोग। और अगला है जो चौथा है वो इंग्लिश है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंस। सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसलिए टोटल हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और ये सामान्य लोगों के लिए 1 घंटे का होगा, लेकिन जो फिजिकल चैलेंज्ड लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये 20 मिनट ज़्यादा होता है। इसलिए ये टोटल 1 घंटे 20 मिनट होंगे उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड होंगे, इसमें कई तरह के लोग होंगे। ठीक है, और ये सारा जो क्वेश्चन होगा ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 1/4 है, मतलब एक क्वेश्चन में चूंकि 2 मार्क्स हैं तो इसलिए उसके उसका 1/4 0.54 हो जाएगा, मतलब आधा नंबर। ठीक है, ये होगा टायर 1 का डिटेल। इसके अलावा टायर 2 एग्जामिनेशन है। इसके बाद टायर 2 जो एग्जामिनेशन होगा वो मुख्य तौर पे 3 पेपर में होगा। ठीक है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, पेपर 2 केवल स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट ले रहे होंगे उनके लिए है, और पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे ये देख लीजिए, तो पेपर 2 मेनली जो JSO होंगे उनके लिए होगा। ये टोटल क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, और हर एक क्वेश्चन हर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसके लिए टोटल 2 घंटे समय दिए जाएंगे। ठीक है, और 40 मिनट एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड हों। ठीक वैसा ही पेपर 3 जो होगा वो जनरल स्टडीज़ होगा, ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 100 रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं टायर 2 के पेपर 1 का, जो सबके लिए कॉमन है। इसमें मुख्य तौर पे 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में होंगे क्या, सेशन 1 में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में होंगे होगा मैथ का, उसमें 2 मॉड्यूल है, जो एक मैथ का हो गया जिसमें कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और मॉड्यूल 2 में, सेक्शन 1 के मॉड्यूल 2 में रीजनिंग रहेगा, जो भी 30 क्वेश्चन होगा, और इसके भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। और ये पूरे एक सेक्शन के लिए, जो सेक्शन नंबर 1 है, 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, ये समय समाप्त होने के बाद फिर आपका सेक्शन 2 चालू होगा, जिसमें भी 2 मॉड्यूल रहेंगे, जो 2 पार्ट रहेंगे सीधा, मतलब ये है, पहला पार्ट में रहेगा 45 क्वेश्चन इसका, और दूसरे पार्ट में जीके का क्वेश्चन रहेगा जो 25 क्वेश्चन रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन चूंकि 3 मार्क्स के हैं, इसलिए टोटल ये जो तो सेक्शन होगा, सेक्शन 2, 210 नंबर का होगा, ये भी 1 घंटे का होगा। ठीक है, इसके बाद पेपर 1 में ही सेक्शन 3 है, जो कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का है, और इसके लिए दिए गए हैं 15 मिनट, और ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा 2 घंटे 15 मिनट का सेक्शन से जो
1 है वो है, ये समाप्त होने के बाद आप कुछ देर के बाद फिर सेशन 2 चालू होता है, और जिसमें कि 15 मिनट दिया जाता है, और ये टाइपिंग टेस्ट है जनरली कह सकते हैं, और इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइपिंग होता है। तो ये हो गया CGL का, SSN CGL, TI-1 और TI-2 का डिटेल, बाकी फिर कभी और देखते हैं।